हाय एवरीवन, आज दिनांक 23/8/2021 को साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी करते हुए सभी शैक्षणिक सत्र 2016 से 2017 में एवं उसके बाद नामांकित NFT प्राप्त छात्र छात्राओं को एक अवसर देने के संबंध में एक सूचना जारी की है। फ्रेंड्स, यहां पर NFT का मीनिंग होता है नॉट फिट फॉर टेक्निकल सर्टिफिकेट। दैट मीन्स यदि कोई स्टूडेंट्स दिए हुए ड्यूरेशन टाइम के अंदर अगर आप अपने सभी बैकलॉग्स पेपर को क्लियर नहीं करते हो तो आपको NFT का डिग्री मिलता है। दैट मीन्स वैसे कैंडिडेट्स जो अपने बैकलॉग्स पेपर को दिए हुए समय के अंदर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें NFT का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर आप सारे बैकलॉग्स पेपर को दिए हुए ड्यूरेशन टाइम के अंदर क्लियर कर लेते हो तो आपको डिग्री प्राप्त होती है। सो, आज के नोटिस में सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान के प्राचार्य को सूचित किया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स सेशन 2016 से 2017 में एवं उसके बाद नामांकित छात्र छात्राओं को एक अवसर प्रदान किया जाता है, दैट मीन्स जिन छात्र छात्राओं को इस सेशन में NFT मिल चुका है उन छात्र छात्राओं को एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ पर NFT फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स को मिलता है, दैट मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को NFT मिलता है। और वैसे कैंडिडेट्स को NFT मिलता है जो कैंडिडेट्स अपने बैकलॉग्स पेपर में 3 बार से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। दैट मीन्स जिन कैंडिडेट्स के पेपर्स बैकलॉग्स है या कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स फेल्योर हैं उनको 3 चांस दिया जाता है। और 3 चांस के बाद अगर वे अपने पेपर्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन कैंडिडेट्स को NFT का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यह नोटिस क्या कहता है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि शैक्षणिक सत्र 2016 से 2017 एवं उसके बाद नामांकित NFT छात्र छात्राओं को परीक्षा परिषद की बैठक में एक अवसर देने का निर्णय लिया गया है। दैट मीन्स जो भी कैंडिडेट्स 2016 और 2017 सेशन के हैं एवं उसके बाद के जो सेशन के हैं, दैट मीन्स जिनका एडमिशन 2016 से 2017 और उसके बाद हुआ है, वैसे छात्र छात्राओं को अगर NFT मिला है तो उनको अगेन एक अवसर यहाँ पर देने का निर्णय लिया गया है। आगे कहता है, वैसे छात्र छात्राओं को जिन्हें पूर्व में एक बार अवसर प्राप्त है उन्हें यह अवसर अनुमान्य नहीं किया गया है। दैट मीन्स वैसे कैंडिडेट्स जिनको ऑलरेडी यह अवसर पहले मिल चुका है, दैट मीन्स जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उसके बाद उन्हें एक अवसर मिल चुका है, वैसे छात्र छात्राओं को यह अवसर अनुमान्य नहीं किया गया है। और आगे यह नोटिस कहता है कि सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान के जो भी NFT प्राप्त छात्र छात्राएँ हैं उन्हें अपने स्तर से सूचित करने एवं आगामी परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। सो, यहाँ पर सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को, चाहे वे गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सभी को अपने स्तर से NFT प्राप्त छात्र छात्राओं को सूचित करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और उन कैंडिडेट्स को परीक्षा में अपीयर होने के लिए जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उनको करने का आदेश दिया गया है। और इससे रिलेटेड NFT प्राप्त छात्र छात्राएं और भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो वे एग्जाम सेक्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सो, इस तरह से आज के नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी NFT प्राप्त छात्र छात्राएं हैं उनको एक सुनहरा अवसर यहां पर दिया गया है। सो, इस अवसर का लाभ आप जरूर उठाएं। और जिन कैंडिडेट्स ने किसी कारणवश अपने पढ़ाई को स्टॉप कर दिया था उनको एक दोबारा मौका यहां पर दिया जा रहा है। और स्टूडेंट्स, यहां पर हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट्स को नॉट फिट फॉर टेक्निकल सर्टिफिकेट का डिग्री मिल जाता है तो वे थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। दैट मीन्स अगर उन्हें टेक्निकली NFT का डिग्री अगर प्राप्त हो जाता है तो वैसे कैंडिडेट्स थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं।
दैट मीन्स जो भी आपका 3 ईयर्स का एकेडमिक ईयर्स होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन से उसको वहाँ पर एज्यूम किया जाता है. दैट मीन्स फर्स्ट एडमिशन के डेट से 3 एकेडमिक ईयर्स के पीरियड में अगर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो वैसे स्टूडेंट्स को NFT डिक्लेयर किया जाता है. और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें. सो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.